आजकल मीठे खुशबूदार रसीले पके आमों की बहार है, तो चलिए आज बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम, वो भी एक ट्विस्ट के साथ। मैंने इसके लिए लिया है ये 250 ml दूध, और दूध गर्म हो जाने के बाद मैं उसमें मिला रही हूँ ये चीनी। चीनी मिलाने के बाद हम दूध को पकाएंगे, और ये देखिए इस तरीके से दूध में उबाल आएगा, पर लेकिन हम लगातार दूध को चलाते जाएंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें दूध और चीनी को अच्छी तरीके से पकाना है। हमें इसे कंडेंस्ड मिल्क जैसा ही तैयार करना है, क्योंकि इससे आइसक्रीम में एक अच्छा ग्लेज मतलब चमक आएगी और आइसक्रीम का फ्लेवर भी बहुत क्रीमी बनेगा। ये देखिए हमें इसे इस तरीके से पकाते जाना है लगातार चलाते हुए। हम बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बना करके तैयार करेंगे, इसलिए हमने इसमें शुगर पाउडर ऐड नहीं किया है। और ये देखिए दूध और चीनी दोनों इस कंसिस्टेंसी तक पक जाने चाहिए। अब गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। अब मैं ले रही हूँ ये 3 पीस मिल्क केक के। मेरे घर में ये मिठाई थी तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई भी मावे वाली मिठाई हो या मावा हो तो आप थोड़ा सा उसे ऐड कर लीजिए। इससे हमारी आइसक्रीम में डबल टेस्ट आएगा, एक तो आइसक्रीम वाला और दूसरा कुल्फ़ी वाला। ये मिल्क केक फ्रिज में रखा था, तो मैं इसे पहले हल्की आँच में गर्म करके थोड़ा सॉफ्ट कर लेती हूँ। इस मिठाई को डालने से हमारी आइसक्रीम मार्केट से भी अच्छी बन करके तैयार होगी। ना तो हमें दूध को घंटों पकाना है, ना इसमें मिल्क पाउडर मिलाना है, ना ही हमें इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाना है, और बहुत ही कम मेहनत में और कम समय में बिल्कुल हमें कुल्फ़ी वाला स्वाद मिलेगा इस आइसक्रीम से। और ये देखिए ये सॉफ्ट हो गया है मावा। अब मैं गैस को बंद कर ले रही हूँ और इसे ठंडा होने दूँगी। अब मैं इस बाउल में व्हिपिंग क्रीम बना करके तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने ये 5 चम्मच व्हिपिंग क्रीम पाउडर लिया है। मार्केट में व्हिपिंग क्रीम लिक्विड फॉर्म में भी आती है, आप उसे भी ले सकते हैं। और इस पाउडर में मिलाने के लिए मैंने ये चिल्ड दूध का इस्तेमाल किया है, ये फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध है। अब मैं इसे इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर की सहायता से अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी। इसे हमें हाई स्पीड पर ही लगातार 10 से 12 मिनट तक चलाना है। आप इसे हैंड विस्क की सहायता से भी फेंट सकते हैं, पर लेकिन मुझे इसे फेंटने में लगभग 15 से 16 मिनट का टाइम लगा है। तो आप ये समझ लीजिए कि हाथ से फेंटने में आपको इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये देखिए हमें इसे इतना फेंटना है कि इसके अंदर अच्छी खासी एयर भर जाए और ये इतना फ्लफ़ी हो जाए। ये देखिए मैं इसे पलट रही हूँ तो ये इसमें से गिर नहीं रहा है। बस ऐसा ही हमें इसे फेंट के तैयार करना है। और ये देखिए ये दूध और चीनी का मिक्सचर है, ये अब अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। और इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद ही हमें इस क्रीम में मिलाना है। और ये मैंने इसे इस क्रीम में मिला लिया, और अब मैं इसे भी अच्छी तरीके से इस क्रीम के साथ फेंट लूँगी, ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब मैं मिला रही हूँ इसमें ये मिल्क केक। ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद ही हम इसे इस क्रीम में मिलाएंगे। नहीं अगर हमने इसे गर्म मिला दिया तो ये इससे क्या होगा कि क्रीम पिघल जाएगी और हमारी आइसक्रीम का स्वाद पूरा ख़राब हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मैंगो पल्प। मैंने 2 आम लेकर के उन्हें मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लिया था, और अब इसे मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हाथों से ही मिक्स करेंगे, इलेक्ट्रिक विस्कर का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो इस क्रीम में हमने जितनी भी एयर फिल की है वो सब निकल जाएगी। और ये देखिए ये मैंने मोल्ड लिया है जिसमें मैं आइसक्रीम को जमाऊंगी। अगर आपको भी आइसक्रीम जल्दी जमानी हो तो आप आइसक्रीम बनाने के आधे घंटे या 1 घंटे पहले इस मोल्ड को फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। अब ये देखिए ये सारा पेस्ट आइसक्रीम का जो हमारा मिक्सचर था वो मैंने इस मोल्ड में डाल दिया, और अब मैं इसे एक फॉइल पेपर से कवर कर लूँगी। वैसे तो अगर आप इसे फॉइल पेपर से कवर ना करें तो भी आइसक्रीम अच्छी जमेगी, क्योंकि जो हमारा मिक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी बन करके तैयार हुआ है। और ये देखिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया, और इसे फ्रीज़र में रखे हुए मुझे 7 घंटे हो चुके हैं। 7 घंटे बाद मैं इसे खोल रही हूँ। ये देखिए दिख रहा है ना आपको इसका टेक्स्चर, एकदम क्रीमी।
तो आइए मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस आइसक्रीम में जो इतना शाइन आया है और जो इसका इतना क्रीमी फ्लेवर दिख रहा है, ये जो हमने दूध को और चीनी को पकाया था उसकी वजह से है। अगर हम शुगर पाउडर इसमें डालते तो इसमें इतनी शाइन और क्रीमीनेस नहीं आती। मैंने इसमें इलायची पाउडर, वेनीला एसेंस कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मैं इसमें प्योर आम का स्वाद और खुशबू रखना चाहती थी। तो आप भी इसमें ऊपर से किसी भी तरीके का कोई एसेंस ना डालें, इसे प्योर आम के ही फॉर्म में रहने दें। तो लीजिए, बढ़िया रसीले आमों से घर पर बनकर तैयार है सस्ती और क्रीमी फ्लेवर वाली बेहतरीन मैंगो आइसक्रीम। तो आप भी आम के इस मौसम में ये खुशबूदार रसीली क्रीमी आइसक्रीम ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें।